कृपया छोटे बच्चे इस वीडियो से दूर रहे और कार्टून देखे, यह वीडियो आपके लिए नहीं है। थैंक यू। यार ये कैसा बॉयफ्रेंड है मेरा, मुझसे ज्यादा तो ये अपने फोन और जूस में इंटरेस्ट ले रहा है। इस टर्म को इतना भी नहीं समझ आ रहा कि एक लड़की ने रात में इसे अपने घर किस लिए बुलाया होगा। महक, आई थिंक अब हमें शुरू करना चाहिए। हाँ हाँ जरूर। महक, what's wrong with you? ये क्या कर रही हो तुम? अरे बेबी, अभी तुमने तो कहा था ना कि स्टार्ट करते हैं। अरे तो वो तो मैं खाना खाने की बात कर रहा था। तुमने मुझे यहाँ डिनर पे तो बुलाया ना, तो डिनर स्टार्ट करने के लिए बोल रहा था मैं। ओह, I'm sorry। मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने तुम्हें यहाँ डिनर के लिए बुलाया। तुम्हें तो भूख भी लगी होगी ना, तो तुम एक काम करो, तुम जाकर हाथ धोकर आ जाओ, मैं तब तक डिनर लगा देती हूँ। ओके। आज न छोड़ूंगा तुझे दम दमा दम। तूने क्या समझा है मुझे दम दमा दम। हाय तूफान भरा दम दमा दम। क्या साहब, क्या ड्रामा लगा रखा है, काय को टाइम खोटी कर रहे हो? क्या बात है जाने मन, आज बड़ी जल्दी कर रही है। चल आज तुझे जादू दिखाता हूँ। जादू है तेरा ही जादू। चल जाने मन। अभी एक को खाया नहीं है, दूसरे का कॉल वाला आ गया। एक मिनट जाने मन। हाँ हेलो बाबू, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुझे कल मिलता हूँ। हाँ पिंक वाला सूट पहन लियो, खा दूंगा तलक। अच्छा निकेत, तुम्हें खाना कैसा लगा? तुम्हें पता है कि सारा खाना मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है, वो भी सारी हरी भरी सब्जियाँ। For your good stamina। यार तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें पता है मैं डेली जिम जाता हूँ और थक जाता हूँ, तुमने मेरा स्टेमिना बूस्ट करने के लिए कितनी सारी हरी सब्जियाँ बनाई है। वाओ यार तुम कितनी अच्छी हो। और ये खाना तो बहुत टेस्टी है। यार मैं किस स्टैमिना की बात कर रही थी और ये किस स्टैमिना की बात कर रहा है? सच में ये तो लर्द है, मेरा एक भी हिंट नहीं समझ रहा ये। बट एनीवेज मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। आई विल ट्राई वन मोर टाइम। अच्छा अनिकेत, तुम भी मुझे खाना खिलाओ ना अपने हाथों से। हाँ खिलाता हूँ। है तुम्हारे फेस पे कुछ लगा है, साफ कर लो। कहाँ पर? लेफ्ट साइड। कहाँ? यहाँ। थोड़ा सा राइट। अरे तो फिर तुम खुद ही साफ कर दो ना। देख क्या हो, साफ कर दो। What is this behavior, Aniket? क्या था? Sorry, वो लगता है खाना डाइजेस्ट हो गया, बहुत टेस्टी बना था ना तो इसलिए डकार आ गई। महक, I think I have to go now because टाइम भी ज्यादा हो गया है और पापा भी घर पर अकेले तो मेरा इंतजार देख रहे होंगे, तो हम बाद में मिलते हैं। बाय। अरे अनिकेत मेरी बात तो सुनो। अनिकेत मेरी बात सुनो ना, तुम प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ ना, थोड़ी देर बाहर चले जाना, इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं वो थोड़ी सी तो जल्दी है। क्यों? वो क्या है कि ना पापा घर पे अकेले हैं। तो क्या हुआ, पापा रह लेंगे ना अकेले? नहीं मेरे बिना उनको
नींद नहीं आती है। अरे कोई बात नहीं, उन्हें आ जाएगी नींद तुम्हारे बिना। अरे नहीं, मुझे पता है ना वो मेरे बिना नहीं सो पाते। ये सब क्या है अनिकेत, कोई इतना डर कैसे हो सकता है? तुम्हें सच में समझ नहीं आता कि मैं तुमसे क्या चाहती हूँ? क्या क्या क्या? मैं तुमसे प्यार चाहती हूँ, प्यार। हाँ बेबी, तो मैं तो तुमसे प्यार करता ही हूँ, और मेरा प्यार तो वैसे भी टॉप लेवल का है, यू नो ना। हाँ माना तुम्हारा प्यार टॉप लेवल का है, लेकिन इस प्यार को टॉपलेस कब करोगी तुम? क्या बोला तुमने? टॉपलेस? मैं आई थिंक मेरी ना तबीयत खराब होने वाली है, तो मैं घर निकलता हूँ, बाय। अनिकेत, अनिकेत बात तो सुनो मेरी। यार कैसा लद्दू बॉयफ्रेंड मिला है मुझे, मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या तेरे पति ने लव बाइट देख लिया? मैं तो उसे छुपा के रखना था ना, तुझे पता है ना मैं कितना भावुक हो जाता हूँ, काट लिया गलती से। अच्छा अच्छा बेबी, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? चल बाय बाय बाय। ओए तू इतनी जल्दी कैसे आ गया, तू तो लेट आने वाला था। तो मैंने कब बोला था कि मैं लेट घर आऊंगा? अरे तू तो अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया था ना उसको खाने। पापा मेरा मतलब है डिनर करने गया था, तो इतनी जल्दी कैसे आ गया? पापा मैं महके का डिनर करने गया था, अपने डिनर फिनिश करके वापस आ गया। मतलब सिर्फ तू खाना खा के वापस आ गया, किया कुछ नहीं? यार पापा छी, यार छी, आप अपने बेटे से इस उम्र में कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं अपने बेटे को नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा? यार पापा बस करो, मैं और महक ने एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो ये अपना अश्लील ज्ञान अपने पास ही रखो। ओ अब पापा का ज्ञान अश्लील हो गया? अरे तू जानता नहीं अपने बाप को कि मैं क्या चीज हूं। सोने से पहले ना इस लद्द को समझाती हूं मैं। वाह बेबी का बाबू घर आया नहीं और बेबी के कॉल आने शुरू हो गए, देखू जरा क्या कहती है। हेलो मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी है, कुछ भी बोलने से पहले एक बार मेरी पूरी बात सुन लियो। यार तुझे सच में समझ नहीं आता है क्या कि मैं तुझसे क्या चाहती हूँ? तेरी गर्लफ्रेंड ने तुझे रात को डिनर पर बुलाया है, उसने क्या सिर्फ तुझे खाना खाने के लिए बुलाया है? और तू सिर्फ खाना खाने आया था क्या? ये तुझे खाने के अलावा किसी और चीज की भूख ही नहीं लगती है। और एक बात तो तुझे बताना भूल ही गई, तू मुझसे ज्यादा ना अपने फोन में इंटरेस्टेड होता है। मैंने तुझे कितने हिंट दिए, कितनी बार समझाने की कोशिश की कि मैं तुझसे क्या चाहती हूँ क्या नहीं, लेकिन तुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे कुछ करना तो दूर, तूने तो मुझे किस भी नहीं किया। क्या करूं मैं तेरा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। कोई इतना डम कैसे हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आता। कॉल कट कर दी, मेरी बात भी नहीं सुनी। कैसा लद्द लड़का मिला है मुझे। अबे गधे, आज तूने अपने बाप का नाम मुंह में मिला दिया। यार पापा इसमें मेरी क्या गलती थी? अबे तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है भी के नहीं? तू भी अपने चाचा की तरह लड़कों में इंटरेस्ट रखता है। ओ पापा माइंड योर लैंग्वेज, आई हैव अ गर्लफ्रेंड और मेरा इंटरेस्ट ना लड़की में ही है, आपकी तरह लड़कियों में नहीं, क्योंकि मैं आपकी तरह लौंडियाबाज नहीं हूँ ना। तो इंटरेस्ट के चौधे, अबे ऐसी बात थी तो कुछ करके क्यों नहीं आया, तोड़ दिया तूने इस बेचारी का दिल। यार पापा मैं डर गया था, मुझे लगा ये ठीक समय नहीं है और कहीं वो मुझे जानवर ना समझ ले, इसलिए कुछ नहीं किया। ओ मेरे नीले काले पीले गुलाबी, अरे इतना भोला मत बन, आज के टाइम में ना लड़कियों को जानवर ही पसंद है, जानवर समझो। क्या? हाँ अरे अपने अंदर के जानवर को बाहर निकाल। हाँ ये तो जानवर है, तो बाहर निकाल। अरे बेनी माल इस जानवर को बाहर निकाल। बस पापा अब मैं समझ गया कि मुझे कल जाकर क्या करना है। यस अब बस आप देखो कि आपका बेटा कैसे जानवर बन के दिखाता है। यार बेबी वो कल के लिए आई एम रियली सॉरी, मैं समझ नहीं पाया कि तुम किस प्यार की बात कर रही हो। यार अनिकेत
लड़के ना एक मौके की तलाश में होते हैं, और मैंने तुम्हें इतने मौके दिए, इतने हिंट दिए, लेकिन तुम्हें फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। यार तो तुम मुंह से बोलकर बता देती ना मुझे, तुम्हें तो पता ही है ये हिंट वगैरह मुझे समझ में नहीं आते। चलो कोई बात नहीं, अब फाइनल तुम्हें समझ आ गया है ना कि मैं तुमसे क्या चाहती हूँ। हाँ मुझे समझ आ गया है कि तुम मेरे अंदर के जानवर से मिलना चाहती हो। हाँ बिल्कुल। तो फिर मुझे ना सांस नहीं आ रही, मैं एक मिनट में बैलकनी से आता हूँ। अरे यार अनिकेत ये क्या बदतमीजी है, तू इतना क्यों घबरा रहा है? देख जो पापा ने कहा था ना कि अपने अंदर के जानवर को बाहर निकाल, और अभी महक ने भी तो कहा कि वो तेरे अंदर के जानवर से मिलना चाहती है, तो मैं ये ब्रूस बैनर की तरह हल्क नहीं बन पा रहा। देख टेंशन मत ले, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अगर तूने आज कुछ नहीं किया ना तो महक नाराज हो जाएगी जरूर। तो भी कॉन्फिडेंस ला और नीचे जा, और तू सबको संभाल लेगा, बस डरे मत, ठीक है? यस चल। आर यू ओके, तुम ठीक हो ना? अरे हाँ मैं तो एकदम मस्त हूँ, वो तो बस ऐसे ही हवा खाने गया था। अभी करते ना? हाँ शुरू करते। बाल तो छोड़ो। ठीक है, ओ मेरी होड़ी खराब हो जाएगी। इस तरफ से है ना, ये हाथ नीचे रखो ना, है ना? यार ये जगह कंफर्टेबल नहीं है, मतलब सोफे पे कौन करता है, और इतनी लाइटें क्यों जला रखी, जगमग कर रखा पूरा माहौल, ठीक नहीं है, कहीं और करते हैं ट्राई। तुम यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हो ना, हम एक काम करते हैं, मेरे रूम में चलते हैं। हाँ ये आइडिया बेस्ट है। देखो निकेत अब तुम रिलैक्स हो जाओ, देखो अब तो हम मेरे कमरे में आ गए हैं ना, और यहाँ पर तुम बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं होंगे, और यहाँ पर तो लाइट्स भी बहुत कम है, और मैंने यहाँ पर ना पूरा माहौल सेट किया हुआ है, तुम्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सब कुछ प्यार से हो जाएगा, जस्ट गो विद द फ्लो। तुमने किया? सॉरी महक, आई थिंक तुमको महक आ गई, वो मैं सुबह जल्दबाजी के चक्कर में ना फ्रेश होना भूल गया था। मैं एक काम करता हूँ, वॉशरूम जाता हूँ और दो मिनट में फ्रेश होके आता हूँ। हाँ, प्लीज जल्दी जाओ इससे पहले कि पूरे घर का माहौल खराब हो जाए। जाओ तुम यहाँ से। आता हूँ मैं। यार ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ, कभी मुझे मुंह से सांस नहीं आ रही तो कभी पीछे से सांस छोड़ रहा हूँ, लगता आज मेरी लंका ही लगने वाली है। एक काम करता हूँ, पापा को फोन करता हूँ। फोन उठा लो ना पापा, ये खुद कहीं अपना टाका भिड़ा रहे होंगे, कहाँ फंस गया आज मैं? ए ऊपर वाले क्या करूं, मेरा जानवर कैसे बाहर निकलेगा? आखिरी बार और ट्राई करता हूं, होता है तो ठीक है वरना। शिट यार, अब हो गए फ्रेश तुम? हाँ अब मैं फ्रेश भी हो गया, और सांस भी प्रॉपर आ रही है, और यहाँ लाइटें भी कम है, और तुमने माहौल भी पूरा सेट कर रखा है, तो आप करें शुरू। मैं तो कब से वेट कर रही हूँ।
अनिकेत अब क्या हो गया? यार महक देखो, मैं अभी इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ और ना ही कंफर्टेबल हूँ। अभी मुझसे नहीं होगा, आई एम सॉरी। अनिकेत बात तो सुनो। आजकल कुछ ज्यादा जादू नहीं दिखाते आप? कहीं ऐसा ना छोटा सा जादू आ जाए। हाँ अरे छोटा जादू कहाँ से आएगा, मैं हेलमेट पहन के गाड़ी चलाता हूँ, फिर चलान कैसे कटेगा? ये अदाएं मारती है तेरी मेरे को। हाँ चल दे पप्पी। अरे क्या हुआ? अरे तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? आज भी कुछ नहीं हुआ क्या? नहीं यार पापा, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं और मैं करना भी चाहता हूं लेकिन करना कैसे वो मुझे नहीं पता। ओ तेरा बाप तुझे सिखाएगा। तू टेंशन किस चीज की ले रहा है? है पापा सच्ची आप मुझे सिखाओगे? और क्या साहब, तू मास्टर है मास्टर। बेटा तू टेंशन मत ले, मैं तुझे बताऊंगा कि गेम कैसे बजानी है। पर बजानी किसकी है? अरे वो इसकी गर्लफ्रेंड है ना। अरे पापा आप सब कुछ जाजा के बताओगे क्या कि आपके बेटे से कुछ नहीं हो पा रहा है? अरे बेटा ये बाहर वाली नहीं, गांव वाली है, गांव वाली। ए साहब तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि इनका बेटा नामर्द है। अरे वो नामर्द नहीं हूं मैं पापा। अरे बेबी वो नामर्द नहीं मेरा बेटा है और मेरी औलाद कभी नामर्द नहीं हो सकती, ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। बस थोड़ा सा घबराया हुआ है, शर्मा रहा है। हम दोनों मिलके से बताएंगे कि गेम कैसे बजाते हैं। क्यों बेटा ठीक है ना? तो देख अब मैं तुझे परफेक्ट करता हूँ कि काम करना कैसे। चला जा। देख बेटा शुरुआत ना हमेशा किससे होती है, बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए हैं? मैं कह रहा दबोच ले, जैसे शेर अपने शिकार को दबोच लेते ना हैं अपने हाथों में, कि तूने ऐसा करना है। मैं तुझे बताओ अब जैसे ये घड़ी है, यूं पकड़ना है और आंखों में आंखें डाल, यूं पकड़ और यार पापा आपने तो कितनी आराम से किस कर दी यार, आप तो मास्टर हो मास्टर, लेकिन मैं मेरी तो इतने करने में फट जाती है। अरे बेटा अब मैं अपनी तारीफ क्या करूं हैं? चल आजा ट्राई कर। क्या? हाँ ट्राई कर बेटा, क्या कर रहा है, आजा जल्दी आ चला। नहीं पापा मैं ना महक के अलावा किसी और को किस नहीं कर सकता, मैं प्रैक्टिकल महक के साथ कर लूंगा, आप बस मुझे ये बता दो कि किसके बाद क्या करना होता है। क्या सर कैसा लड़का पैदा किया, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, पहले आप इसको सिखाओ, मैं तो चलती हूं। बाय बाय मर जा। ये होती है, अब सुन मेरी बात, इधर आ। देख बेटा जितना मैं तुझे सिखा सकता हूं ना उतना तो मैं तुझे सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा, पर कुछ चीजें ना तुझे अपने आप करनी होगी, समझा ना? तुझे सबसे पहले ना अपने अंदर जो डर है उसको बाहर निकाल देना है, मत सुन उसकी। अरे अपने अंदर के जानवर को जगा, जानवर को। तूने देखा नहीं अभी मैंने तेरे सामने कैसे किस किया था, जबरदस्त किस, ऐसी ही किस तूने करनी है बस, बाकी सब का सब काम अपने आप हो जाएगा। और तब भी अगर तेरी गर्लफ्रेंड ना माने तो तू अपने बाप को याद कर लियो, और फिर भी तुझसे ना हो पाए तो महक का नंबर तो मुझे दे दे बेटा। पापा गर्लफ्रेंड है वो मेरी। अरे हाँ मैं जानता हूँ बेटा, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा सुन अब मैं बहुत थक गया हूँ ठीक है, बाकी का ज्ञान मैं तुझे कल दूंगा, अब मैं चलता हूँ, पर मेरी बातें दिमाग में रखियो, भूलियो मत। ठीक है। अबे तू कौन है बे? ओ
अनिकेत इससे मिलो, ये है मेरा न्यू बॉयफ्रेंड मनीष एंड ही इज अ प्रो। यार बेबी ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मैं हूं ना, ये थोड़ी। ओ हेलो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे, हो नहीं। मत कहेंगे यार, प्लीज ऐसे मत बोलो। और अब तो मैं अपने पापा से सीख कर आया हूँ, मतलब हम सारी चीजें तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी करने में। अनिकेत तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हम दोनों तुम पर हंस रहे हैं? देखो अनिकेत, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, तुम प्लीज जाओ, इट्स ओवर, जाओ। बेबी तुम दरवाजा लॉक करके आ जाओ, हम फिर से स्टार्ट करते हैं। So, hey guys, वीडियो का एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। और हाँ गाइज, जिन लोगों को मेरी लव स्टोरीज पसंद है उनके लिए गुड न्यूज है, हमारी अगली वीडियो आ रही है लव स्टोरी, बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, आप लोग उस वीडियो को भी देखना, इसी मंथ आ जाएगी और मजा आ जाएगा मतलब उस वीडियो में आपको। और गाइस लोटस 365 पे भी रजिस्टर कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो उस रेड बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को कर लो ऑन, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइस मैंने म्यूजिक का नया चैनल बनाया है और मेरा सॉन्ग भी आ रहा होगा एंड स्क्रीन पे, तो यहाँ पे क्लिक करके मेरा सॉन्ग भी सुन लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, मिस्टर बेनीवाल के नेम से है। गाने भी आते रहेंगे, वीडियो भी आती रहेंगी, प्यार बनाए रखो और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो @ अनिकेत बेनीवाल। बाय, लव यू ऑल।